आइए आपको दिखाता हूँ प्रयागराज के नगर पंचायत भैरवगंज कस्बे में, जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों की कुछ भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर एक बूढ़ी माता आपको दिखा रहा हूँ लेटी हुई है। अभी मैं इनसे बातचीत किया, इन्होंने जो जानकारी दिया है मैं दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, इन लोग को सूचना देने पर मैं यहाँ पर आया, पता चला कि एक बुढ़िया माता यहाँ पर कहीं से भूल भटक के आ गई है। जानकारी लेते हुए लोगों ने बताया कि शायद उनके बच्चों लोगों ने इनको निकाल दिया था, इस वक्त कुछ बात हुई। यहाँ आने पता चला कि वृद्धा आश्रम से लोगों को बुलाया गया है इनको लेके जाने के लिए, क्योंकि जो ठंडी का आलम चल रहा है, मौसम चल रहा है, इस मौसम में बहुत ही इनको बचाने की बात है, इनको आराम चाहिए, इनको चाहिए सेफ्टी चाहिए। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। जी क्या पर्ची आपका? सनाउल्ला। पूरा पता? सनाउल्ला भारत गंज टाउन एरिया बगल में। अच्छा ये कौन सा मोहल्ला है? ये गाड़ी वाला मोहल्ला है। गाड़ी वाला मोहल्ला है। ये जिस तरह बूढ़ी माता यहाँ पर लेटी हुई है, इनके बारे में कुछ बताया? इनके बारे में क्या बताया, वो हमारी लड़की रूबी थी। हाँ। अब वो देखी जो ये रो रही थी बैठ के। हाँ। तो दो तीन लड़कों से कहा कि उसको पकड़ के ले आओ, काहे रो रही पूछो उससे। जी हाँ। तो वो पूछी तो खाली रो रही थी। अच्छा। तो उसको खाना वगैरह दिए उसने। अच्छा। अब वो खाई, उसके बाद अपने दरवाजे बैठा ली। अच्छा वो जिसका नाम बता रही वो यहाँ पर है? रूबी आ गया है। जी आप ही है? जी। रूबी आपका नाम है? जी। तो आपको मतलब कहाँ मिली है? ये मेरे घर के सामने ऐसे किनारे रोड पे बैठी रो रही थी। जी। फिर हमने इनको देखा तो फिर हम जूही को अपने छोटी बहन को भेजे, हमको जूही जाओ पूछो क्या हुआ, किस लिए रो रही है। तो मतलब कुछ बोली नहीं, पता नहीं कौन सा लैंग्वेज बोल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा। फिर हमने इनको बैठा ला, चाय दिया, खाना वाना दिया, खाई थी, फिर बैठी थी। और फिर अब ठंड पड़ रही इस वजह से हमने यहाँ लाके कुछ शिफ्ट किया। कितने समय की बात है ये? ये हो गया तब भी 6-7 घंटे हो गए। 6-7 घंटे हो गए तब से आप देख रेख कर रही हैं? जी। तो उसके बाद आपने क्या किया? फिर हमने इनको सॉल स्वेटर वगैरह दिया, बिछा उछा दिया, आराम कर रही हैं। तो आपने क्या हमने हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया। जी। तो वहाँ से सर आए हैं, इनका वो मतलब देख रहे हैं, देखिए कब ले जाते हैं इनको। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य आपका रहा है, जिससे आपने किया है, एक इंसान का सबूत आपने दिया है। आपने भी बताया कि आपने फोन किया था किस नंबर पे? हेल्पलाइन नंबर पे। वहाँ से सर आए हुए हैं। जी, जी आपका परिचय क्या है? मेरा नाम राहुल सिंह है। जी मैं सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन से आया हूँ। जी मैडम ने कॉल किया था 4 बजे के आसपास। जी तो प्रयागराज से आने में तो 2.5 घंटा में लग गया है। जी तो देखा तो माता जी की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ। इनके पास आई कार्ड भी नहीं है। जी कहाँ से आई है क्या है? जी अब यहाँ संबंधित थाने से बात करके वेरिफिकेशन बना के फिर इन्हें वृद्धा आश्रम में शिफ्ट कराने का प्रोसेस करना, बनवाना, तैयार करना, तमाम परमिशन लेना, सब में कितना समय लग जाएगा आपको? अभी अब जा रहा हूँ, संबंधित चौकी चार से बात करूंगा। जी अब देखता हूँ मिल मुलाकात हो जाती है, नहीं होती तो फोन से बात करें। अच्छा अभी आपसे बातचीत नहीं हो पाई है? अभी अभी मैं आया ही हूँ। अभी आप आ रहे हैं? जी अभी हमें आने में ही 2-2.5 घंटा लग गया। तो ये मान चले कि आज काम हो जाएगा? आज अभी देखता हूँ, बात करता हूँ इनसे और फिर कल सुबह मॉर्निंग में प्रोसेस करवा कर फिर इन्हें सीख कराऊंगा। यहाँ पर क्यों लेटी हो? बॉबी दो लगता दिया लो। हाँ बॉबी दो। कहाँ से आई हो आप? तो कराकट से। कराकट से? कराकट कर रही है। कौन ला के छोड़ा आपको यहाँ पर? कराकट से। बच्चे कहाँ है? बेटवा? बच्चे के बा। बच्चा आपका यहाँ है? हाँ घर बा। कराकट में? हाँ। आप यहाँ कैसे आ गई? अरे कोई से आ गई नहीं है भैया, मार्केट से था के खदेड़ था सा। मार पीट के खदेड़ दिए? हाँ। निकाल दिए घर से आपको? ना घर से ना निकल, यही तारी खदेड़ दे रहा था। कितने लड़के हैं? दो लड़के हैं। तरफ का बिहार का है? अच्छा अच्छा बिहार से आप यहाँ पर चली आई हैं? तो कब से आई है यहाँ पर? अरे कल परसों से आई बनी है भैया। तो जाना है आपको घर पे अपने? जाना था नहीं। घर जाओगी आप? जाएगी भैया। कैसे जाओगी? गाड़ी से जाएगी, पीछे से चल रहे। पैसे हैं आपके पास? ना नहीं क्या पैसा जाएगी। मान लो आप चले गए, जिससे आप बता रही है भगा दिया आपको उन लोगों ने? ना ना जाएगी।
फिर जाओगी घर पे? हाँ जाएगी। वृद्धाश्रम वाले आए हुए लेके आपके यहाँ पर लेने के वृद्धाश्रम वाले आए हुए हैं, लोगों ने बुला रखा है, तो वहाँ जाएंगी आप? हाँ जाएगी। अच्छा, आपको आराम चाहिए कहीं भी होगा? धन्यवाद। जैसा आपने देखा, ये नगर पंचायत भारतगंज प्रयागराज के जिले का कस्बा है। यहाँ के लोगों ने जिस तरह से इंसानियत का सबूत दिया है कि एक गैर जनपद से आए हुए कोई भी इंसान हो, इंसान को इंसान लोग समझते हुए उसकी पूरी मदद कर किया, खिलाया पिलाया पहनाया उड़ाया रखा अच्छी तरह से, और साथ में हेल्पलाइन पे फोन करके यहाँ एक अधिकारी को भी बुला लिया है। आपने बात सुना ही है, इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि अभी प्रोसीजर जो भी पूरा करना हो कागजात की, वो पूरा करने के बाद में ये काम किया जाएगा, यानी यहाँ के से लेके इनको लेके जाया जाएगा। अब ये कब तक होता है देखा जाएगा, देखने वाली बात है, और देखेंगे जैसे ही जाएंगे उसकी भी खबर हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। मैं इस्लाम अंसारी, जनजागरण चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।